नमस्कार छात्रों, मैं मंजुला बीजोगी, हिंदी शिक्षिका, शरण बसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहल्ली, फणलकेरे तालुक का चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आज मैं हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी आठवीं कक्षा का जो गद्य पाठ है, समाचार पत्र की आत्मकथा का जो पूरक वाचन है, उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, ये पूरक वाचन किसके बारे में है, इसके ऊपर एक पूरक वाचन आया है, उसे हम देखते जाएंगे। तो क्या है यहाँ पर, पढ़िए और लिखिए। पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसको लिखना है एक प्रबंध के रूप में। यानी प्रबंध यहाँ पर निबंध होता है, कन्नड़ में हम प्रबंध कहते हैं। निबंध के रूप में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए 5 अंक दिया जाता है। सिर्फ अंकों के लिए नहीं, बल्कि इसके बारे में आप जानना जरूरी है। तो समाचार पत्र के आगे का जो भाग होता है, यानी दिन बदलते बदलते, जो जमाना बदलते बदलते जाता है, तो वैज्ञानिक क्षेत्र में भी हम कुछ क्रांति को देख सकते हैं। तो वैसे ही उसके बाद दूरदर्शन आ गया, उसके बाद इंटरनेट आ गया। तो दूरदर्शन के बारे में हम अब देखते जाएंगे। तो क्या है इसमें, पहले मैं पढ़ती हूँ। दूरदर्शन के माध्यम से हम संसार के किसी भी स्थान पर होने वाली किसी भी घटना को सीधे प्रसारण द्वारा अपने घर बैठे बैठे देख सकते हैं। विश्व के किसी भी कोने में होने वाले खेलों का आनंद हम घर बैठे ले सकते हैं। दूरदर्शन केवल मनोरंजन का ही नहीं, बल्कि ज्ञान का भी स्रोत है। यह हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना चाहता है, यानी कराता है। तो आगे देखेंगे, दूरदर्शन के माध्यम से देश में ही नहीं, अपितु विदेश में हो रही घटनाओं, क्रियाकलापों तथा व्यापक सुधारों को जनसामान्य तक पहुंचाया जा सकता है। इसका जनसामान्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और मनुष्य अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करता है। दूरदर्शन सभ्यता व संस्कृति के प्रचार प्रसार में सहायक होता है। तो आगे देखेंगे, दूरदर्शन से शिक्षा, विज्ञान, व्यापार, चिकित्सा, उसके बाद युद्ध, कृषि व राजनीति आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो दूरदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। शिक्षण कार्य में दूरदर्शन के उपयोग से समय और धन दोनों की बचत होती है। सामान्य ज्ञान के विकास में तो दूरदर्शन बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। दूरदर्शन पर व्यावसायिक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को देख सकते हैं। उसके द्वारा हमें शेयर बाजार की भी जानकारी प्राप्त होती है। दूरदर्शन मनोरंजन का एक उपयोगी साधन है। दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम हमें स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करते हैं। केवल टेलीविजन के माध्यम से विश्व भर के चैनलों में से अपना मन पसंद चैनल चुनकर अपना मनोरंजन व ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। ये दूरदर्शन के बारे में एक छोटा सा समाचार पत्र के पाठ का जो पूरक वाचन दिया गया है,
हम इस पूरक वाचन का नाम क्या लिख सकते हैं? दूरदर्शन, है ना। तो हम देखते जाएंगे क्या क्या इससे हम उपयोग पा सकते हैं। समाचार पत्र के बारे में हमने देखा है, ये मितव्ययी साधन है और रोज विश्व की खबरों को हमारे घर तक पहुंचाता है और कम समय में हम बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये सभी हमने देखा। और आगे के युग में कौन कौन से नए विद्यमान जो आए हैं, संदेश समाचार पहुंचाने के जो नए नए माध्यम साधन आए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हमने जाना और रेडियो के बारे में जाना, उसके बाद टेलीफोन के बारे में जाना। ये अभी हम देखेंगे दूरदर्शन। दूरदर्शन में क्या क्या हम उसका उपयोग कैसे पा सकते हैं, ज्ञान वर्धन किस प्रकार कर सकते हैं, वो देखते जाएंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, दूरदर्शन के माध्यम से हम संसार के किसी भी स्थान पर होने वाली किसी भी घटना को सीधे प्रसारण द्वारा अपने घर बैठे बैठे देख सकते हैं, है ना। दूरदर्शन मतलब आपको मालूम है क्या है, टेलीविजन। विजन का अर्थ होता है वीक्षण मानु, वीक्षिसु दु हागादरे याव रीति वीक्षण मार्तीवि नाउ नोडोण। टीवी अंतले शॉर्ट फॉर्म अल्लि करिदिर टेलीविजन हिंदी में, अंग्रेजी में। तो दूरदर्शन हिंदी में दूरदर्शन कन्नडदल्लि यहाँ पर, तो दर्शन यानी यहाँ पर देखना, वीक्षिसु अंत नाउ तगोळ्तीवि। ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಸುಮಾರು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದು ಅಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದು ಅಲ್ಲ? ಹಾಗೇನೆ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. दूरदर्शन के माध्यम से हम संसार के किसी भी स्थान पर होने वाली किसी भी घटना को सीधे प्रसारण द्वारा अपने घर बैठे बैठे देख सकते हैं, है ना। यानी दूरदर्शन के टीवी के माध्यम से हम क्या करते हैं, संसार के किसी भी स्थान पर, हम संसार मतलब यहाँ पर फैमिली नहीं, ವಿಶ್ವ ಜಗತ್ತು ದುನಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ವಹಾಂ ಪರ್ ಹೋನೆ ವಾಲಿ, ಮೈ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹೂ ಅಭಿ, ತೋ ಕಹೀಂ ಪರ್ ವೇ ಹೋ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಯಾ ಜಗ ಮೇ ಕಹೀಂ ಪರ್ ವೇ ಹೋ ಹೋನೆ ವಾಲೆ ಘಟನಾ ಕೋ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಸೀಧೆ ಪ್ರಸಾರಣ ದ್ವಾರ ಲೈ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅಪ್ನೆ ಘರ್ ಬೇಟೆ ಬೇಟೆ ದೇಖ ಸಕ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಯ ಟಿವಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಘಟನೆಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವಾ ನೀವು? ಎಸ್. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಿಸಿ ಭಿ ಕೋನೆ ಮೇ ಹೋನೆ ವಾಲೆ ಖೇಲೋ ಕಾ ಆನಂದ ಹಮ್ ಬೇಟೆ ಬೇಟೆ ಲೇ ಸಕ್ತೆ. ದೇಖಿ ಅಭಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇಖತೆ ಹೇ ಆಪ್ ಲೋಗ್, ಹೇ ನಾ. तो कहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर जो कहाँ पर वो चलता है उस मैदान में जाकर देखते हैं, नहीं है, अपने घर बैठे बैठे ही किसी राज्य में हो या देश में हो या वहाँ का जो खेल का आनंद भी और दर्शन भी आप अपने घर बैठे बैठे इस दूरदर्शन के द्वारा माध्यम से करते हैं। दूरदर्शन केवल मनोरंजन का ही नहीं बल्कि ज्ञान का भी स्रोत है। दूरदर्शन क्या है इधर, मनोरंजन का और ज्ञान का एक प्रश्न है इधर। दूरदर्शन केवल डैश का ही नहीं बल्कि डैश का भी स्रोत है, आपको लिखना होगा मनोरंजन का ही नहीं बल्कि ज्ञान का भी स्रोत है। केवल मनोरंजन अस्टेन नाम ಟಿವಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ವರ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಟಿವಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ
स्रोत का अर्थ होता है मूल। केवल मनोरंजनीय साधन अष्टे अल्ल ज्ञानद मूलवू सह ई दूरदर्शन आगिदे अंत ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂರದರ್ಶನ್ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ದೇಶ್ ಮೇ ಹೀ ನಹೀ ಅಪಿತು ವಿದೇಶ್ ಮೇ ಹೋ ರಹಿ ಘಟನಾಓ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪೋ ತಥಾ ವ್ಯಾಪಕ ಸುಧಾರೋ ಕೋ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ತಕ್ ಪಹುಂಚಾಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶ್ ಕೆ ಕುಚ್ ಘಟನಾಓ ಕೋ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪೋ ವ್ಯಾಪಕ ಸುಧಾರ ಹಮ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ತಕ್ ಎಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಜನರವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಸ್ಕಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವನ್ ಪರ್ ಗಹರಾ ಪ್ರಭಾವ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರಹದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣಗಳು ಅವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜನರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಗಹಿರ ಅಂದ್ರೆ ಆಳವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವು ಬೀರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಔರ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಪ್ನಿ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ ಕೋ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ನ ಜೀವನ್ ಭಿ ಉಸ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಪರಿವರ್ತನ್ ಅಪ್ನೆ ಜೀವನ್ ಮೇ ಭಿ ಪರಿವರ್ತನ್ ಆತಾ ಹೈ ಜೋ ಆಮ್ ಲೋಗ್ ಭಿ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಲಾಭ ಉಠಾತೆ ಹೈ ವೋ ಏಕ್ ಅಚ್ಚಾ ಕಾರ್ಯ ವಹಾಂ ಪರ್ ಹುವಾ ಹೈ ತೋ उसे अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। दूरदर्शन सभ्यता व संस्कृति के प्रसार प्रचार प्रसार का सहायक होता है। तो हम इसका उपयोग कैसे देख सकते हैं? दूरदर्शन केवल हम देखना सिर्फ मनोरंजन करना ही नहीं, ज्ञान को भी हम वर्धन कर सकते हैं। तो और उसके साथ साथ हमारे आम जिंदगी पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। असर का प्रभाव बीरुत्तदे। उसके साथ साथ सभ्यता व संस्कृति के प्रचार प्रसार में सहायक होता है। उसके साथ साथ संचार यानी सभ्यता अलिय संस्कृति सभ्यत कूड़ा नम जीवन अलवे अनुकूल सहायक अंत दूरदर्शन से शिक्षा विज्ञान व्यापार चिकित्सा युद्ध कृषि व राजनीति आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। तो और क्या है इधर? दूरदर्शन से शिक्षा भी हम पा सकते हैं, है ना? आप बहुत अभी उसका उपयोग लाभ उठा रहे हैं। जो इसके समय इस संदर्भ में आप लोग कहाँ पर जाकर बैठ रहे हैं? कक्षा में नहीं बल्कि आप लोग अपने घर में रही टीवी के सामने यानी दूरदर्शन के सामने जाकर बैठ रहे हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ ज्ञान बांटने के जो विषय अभी प्रसारित हो रहे हैं, अपने सिलेबस में जो पाठ है वो भी अब वो पढ़ा रहे हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि बहुत सारे विषय हम शिक्षा के संबंधी विषय को भी यानी स्पर्धात्मक जो परीक्षाएं हो उसका परिणाम हो सभी हम दूरदर्शन के माध्यम से देख सकते हैं, है ना? तो उसके बाद हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर? शिक्षा के क्षेत्र में तो दूरदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। शिक्षा पाने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है, इसका योगदान बहुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। शिक्षण कार्य में दूरदर्शन के उपयोग से समय और धन दोनों की बचत होती है। यहाँ पर और एक प्रश्न है, देखिए इधर, दूरदर्शन डैश व डैश के प्रसार में सहायक होता है। तो क्या है? सभ्यता व संस्कृति। प्रसार के माध्यम से भी सहायक होता है। तो उसके साथ साथ और एक प्रश्न है यहाँ पर, क्या है? देखेंगे शिक्षण कार्य में दूरदर्शन के उपयोग से डैश और
डैश दोनों की बचत होती है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಬಚತ್ ಯಾನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಚತ್ ಕಾರ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಔರ್ ಧನ ಸಮಯವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣವೂ ಸಹ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಕುಚ್ ಹಮ್ ಜ್ಞಾನ ಪಾನಾ ಹೈ ತೋ ಶಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕುಚ್ ಕಿತಾಬೆ ಲೇಕರ್ ಪಡ್ನಾ ಹೋತಾ ಹೈ ವಹಾಂ ಪರ್ ಪೈಸೆ ಖರ್ಚ್ ಹೋತೆ ऐसा नहीं है। जो आपको चाहिए वो कहाँ पर आता है? दूरदर्शन में ही प्रसारित होता है। उससे आप ज्ञान पाकर उसका लाभ उठाते हैं। ऐसे समय की बचत भी होती है और धन की बचत भी होती है। सामान्य ज्ञान के विकास में तो दूरदर्शन बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज पाने के लिए हर एक विषय को हम दूरदर्शन में देख सकते हैं। तो कैसे सिर्फ देखकर हंसना मनोरंजन का लाभ उठाना चले जाना ऐसा नहीं है ना। हम लोग क्या करते हैं उससे प्रभावित होते हैं। कुछ विषय को हम जानते हैं अपने जीवन में लागू करते हैं। इसीलिए जो भी हमें विषय चाहिए वो हम उससे देखते हैं जो राजकीय जो का हो और जो भी संस्कृति का हो सभ्यता का हो मनोरंजन का हो कोई भी क्यों ना हो हम समाचार जो देखते हैं सुनते हैं उससे प्रभावित होकर जो जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान को भी हम प्राप्त करते हैं। दूरदर्शन पर व्यावसायिक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को देख सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि व्यावसायिक वस्तुओं में ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತಾರ ಚಡಾವ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। ಇಸ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಹಮೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಿ ಭಿ ಬಾಜಾರ್ ಕಿ ಭಿ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಿ ಹೈ। ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ। ದೂರದರ್ಶನ್ ಮೇ ಮನೋರಂಜನ್ ದೂರದರ್ಶನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾ ಏಕ್ ಉಪಯೋಗಿ ಸಾಧನ ಹೈ। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ। ದೂರದರ್ಶನ್ ಪರ್ ಪ್ರಸಾರಿತ್ ಕಿಯೆ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮನೋರಂಜನ್ ಪ್ರದಾನ ಕರ್ತೆ ಹೈನ್। ಉಸ್ಮೆ ಆಪ್ಕೋ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದೇಖ್ತೆ ಹೈನ್ ಹೈ ನಾ ವೋ ಉನ್ಕೋ ದೇಖ್ ಕರ್ ಆಪ್ಕಾ ಮನ್ ಭಿ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ಅಚ್ಚೆ ಅಚ್ಚೆ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತಯಾರ್ ಹೋತೆ ಹೈನ್ ಔರ್ ಸ್ವಸ್ಥ ಮನ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜಾಗೃತ ಹೋತಾ ಹೈ ಆರೋಗ್ಯ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ। ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು। ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು। ಅದರಿಂದ ನೀವೇ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಹವನ್ನು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು। ಕೇವಲ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ವಿಶ್ವ ಭರ್ ಕೆ ಚಾನಲೋ ಮೇ ಸೆ ಅಪ್ನಾ ಮನ್ ಪಸಂದ್ ಚಾನಲ್ ಚುನ್ ಕರ್ ಅಪ್ನಾ ಮನೋರಂಜನ್ ವ ಜ್ಞಾನ ವರ್ಧನ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ। आपको जो चैनल चाहिए उस चैनल को आप अपने इसमें लेकर उसे देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं, ऐसा हम इस पाठ में देख सकते हैं। तो कुछ नहीं बच्चों, इधर आप लोग क्या करना है, एक कल की कक्षा में अवधि आपको आते समय एक निबंध को लिखकर लाना है। इस पूरक वाचन के माध्यम से आप जानकारी तो प्राप्त किए हैं, उसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर में आए कतर आए हुए कतरने हो या कुछ अलग टीवी में आए हुए प्रोग्राम का चित्र हो या उसके बारे में और थोड़ा किस प्रकार उसका लाभ आपने उठाया है वो सभी समझाते हुए आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो कैसे हम ये निबंध लिख सकते हैं, आपको उसका जो नियम निबंध के जो नियम है आपको जानकर लिखना होगा। क्या करना है, पहले हम क्या करते हैं, विषय प्रवेश करते हैं यानी दूरदर्शन क्या है उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन परिचय अदना कोड़ती विषय दल्ली प्रवेश मारते, उसके बाद उसका विश्लेषण विवरण देते जाते हैं। इस विषय के बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पर विवरण के संदर्भ में देते जाते हैं। तो इसमें लाभ हानि जो भी हो आ सकता है। हानि हम देख सकते हैं जो हमेशा उसी के साथ जुड़े रहते हैं तो कुछ काम नहीं करने वाले।
इसीलिए उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। ऐसा नहीं करना है, जो चाहिए उसको देखना है, देखकर हम ज्ञान प्राप्त करना है और मनोरंजन का लाभ भी उठाना है। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, उपसंहार। इसमें क्या आता है, आप जो ज्ञान यानी जानकारी प्राप्त किए हैं, हासिल किए हैं दूरदर्शन पर, उसके बारे में अपना जजमेंट होता है। आप एक निर्णय लेते हैं जो क्या करना है, दूरदर्शन से हमें लाभ है या नष्ट, उसके बारे में कंक्लूजन लिखना होगा, तो उसे क्या कहते हैं, उपसंहार अथवा उपसंहार कहते हैं। ये तीनों नियमों को अपना कर एक निबंध को आप लिख कर लाइए, तो कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। तो दूरदर्शन हमें पता चला कि कैसे एक मनोरंजन के रूप में भी हम इसको पा सकते हैं। सिर्फ मनोरंजन का ही नहीं, बल्कि मूल स्रोत क्या है, ज्ञान का है। ज्ञान जो प्राप्त होता है तो हम क्यों नहीं देखें, है ना। इसीलिए हर एक के घर में, कोई भी अमीर हो या गरीब हो, उनके घर में आज के संदर्भ में हम दूरदर्शन देख सकते हैं। इतना अच्छा डीडी चंदना जो चैनल है हमारे कर्नाटक में, आप आपने देखा है, तो उसमें इतनी अच्छी अच्छी हमें जानकारी में मिलती है विषय के बारे में, और जो भाषा किस प्रकार स्पष्टता, भाषा में स्पष्टता किस प्रकार आना है और किस प्रकार बात करना है, जो निरूपण एंकरिंग कैसे करना है, वो सभी हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं, उसके जैसे ही हम भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और इसके आगे भी जो चाहिए, सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से मत देखिए, बल्कि ज्ञान के बहुत बहुत अच्छे चैनल्स हम देख सकते हैं, जो प्राणी जगत के बारे में, जानवरों के बारे में, जंगल में कैसे वास करते हैं, और रियलिटी शोज में कैसे भाग ले सकते हैं, हम भी उसमें भाग कैसे लें, ये सभी जो जानकारी आज तो हम बहुत प्राप्त कर चुके हैं। तो इसीलिए आप क्या करना है, उसके बारे में कोशिश करना है, देखना है। कुछ लोग, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ देखना मनोरंजन का लाभ उठाना चले जाना, ऐसा नहीं है। आप लोगों को सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज की भी जरूरत है, और ज्ञान वर्धन करने की भी जरूरत है, और उसके साथ साथ मनोरंजन का लाभ उठाने की भी जरूरत है। तो इसीलिए बच्चों, आप लोग क्या करना है, इन सब जो विषय की जानकारी को प्राप्त करके हम देखते हैं पहले मनोरंजन के बारे में, उसके बाद ज्ञान के बारे में, और इससे क्या होता है, सभ्यता और संस्कृति का प्रसारण में भी सहायता होती है वो जानते हैं, उसके साथ साथ धन और समय की बचत भी होती है। तो इतना सारा जो विषय संक्षिप्त रूप में हम आज उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए, तो मैं समझती हूँ ये समाचार पत्र की आत्मकथा के बारे में जो है, उसमें पूरक वाचन है दूरदर्शन, इसके बारे में आराम से आप जो देखा है दूरदर्शन को, उसी के माध्यम से उससे क्या लाभ है, और जो कुछ चित्र डालकर आप आराम से एक निबंध तैयार कीजिए, कल की कक्षा में हम देखेंगे, जिसमें सुधार करना हो तो हम करेंगे, ठीक है बच्चों। अब तक जो मैंने पढ़ाया उसके लिए आप जान चुके हैं ऐसा सोचते हैं, मैंने धन्यवाद समझ